नमस्कार दोस्तों, और वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं समर वेसानी और डिस्कस करेंगे आईएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करेंगे 7 जनवरी 2019 का, तो डेट ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे यहां पे क्या दिया हुआ कि रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन ईजिंग टाइट ऑफ लिक्विडिटी कंडीशंस। तो ये नॉर्मली इसको मेरा मतलब मन ये कहता है कि इसको मेंस फोकस बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में है तो मैं आपको ऐसे पहले अच्छे से बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग का जो सबसे उच्च स्तर का बैंक है उसका नाम है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, मार्केट में कितना कैश है उसको मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे होता यह है कि आरबीआई को अगर ऐसा लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि जितना मतलब अपना कैश है, अपना जो बॉन्ड्स है अपना नाम का, आरबीआई फिर गवर्नमेंट के नाम का सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू करती है। क्या क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, फिर वो बैंक्स जो है जो कि प्राइवेट बैंक है, तो वो लोग क्या करती है, वो बॉन्ड्स को खरीद लेती है, ये सोच करके कि भाई ये तो बॉन्ड कभी डूबेगा नहीं, इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा तो अच्छा खासा इससे मुझे इनकम हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाता है और मार्केट में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो टर्म है वो यहाँ पे मनी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो लिक्विडिटी जो है वो खत्म हो जाता है, मनी खत्म हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है। अब अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो इन्फ्लेशन के साथ कम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितना कम इन्फ्लेशन होगा मतलब जितना कम पैसा रहेगा मार्केट में उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा, और जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा उतना जीडीपी गिरेगा। तो आपको जीडीपी को वापस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वापस से मनी को या फिर लिक्विडिटी को वापस से डालना पड़ता है मार्केट में। तो ये पूरा प्रोसेस है। और फिर इसमें क्या होता है कि वो जितना बॉन्ड सेल किए वापस आरबीआई को खरीद लेती है, पैसा वापस दे देती है, तो ऐसे में क्या होता है कि बॉन्ड जो है वो ये हो जाते हैं मतलब वापिस आ जाते हैं। अब आपको लग रहा हो कि इसमें आरबीआई के पास पैसा जो है वो एक्स्ट्रा कहाँ से आता है, जो वो इंटरेस्ट पे करती है वो कहाँ से आता है, वो कहीं से नहीं, वो बेसिकली रेपो रेट से आता है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो बेसिकली वो ब्याज होता है जिसपे आरबीआई जो है वो पैसा लेती है और पैसा देती है, और वो रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही आरबीआई खुद से सेट कर सकती है। ये अच्छा बात है क्योंकि मतलब बेसिकली एक रेगुलेटिंग ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि हर कुछ को रेगुलेट कर सके, तो आरबीआई खुद से ये सेट करती है। और इस हिसाब से क्या होता है कि जो मार्केट में जो मनी है उसका बैलेंस मेंटेन रहता है। अब देखेंगे इन न्यूज क्या चल रहा है। तो यहाँ पे इन न्यूज में यही बात कही जा रही है कि हम लोग का जो कंट्री है वो एक ऐसा स्टेट में पहुंच चुका है कि लिक्विडिटी का बहुत क्रंच है, मतलब पैसा जो है वो बहुत कम है बैंकिंग सिस्टम में। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इतना टाइट लिक्विडिटी यहाँ पे कंडीशन हो गया, इतना कम पैसा रह गया है कि हम लोग के पास जितना भी मनी रेट का जो एक ये होता है ना जो पॉलिसीज होता है वो ब्रीच होने होते लग रहा है। तो यहाँ पे ये क्या किया है आरबीआई जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसको चालू करेंगे, मतलब जो मार्केट के साथ हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो चीज को चालू किया जाएगा। दूसरे वर्ड में ये कहा जाएगा कि हम लोग ज्यादा लिक्विडिटी को पंप करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, मतलब लिक्विडिटी पैसा जो है वो डालेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया वहां पे पैसा जाता कैसे। अब यहाँ पे देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये कंडक्ट किया जाता है आरबीआई के तहत, और यहाँ पे जो जी सिक्योरिटीज है उसको उसका सेल या परचेज यहाँ पे किया जाता है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड होता है मान लीजिए, एक तरह का दस्तावेज होता है, तो उसको यहाँ पे सेल या फिर परचेज किया जाता है ताकि जो मनी कंडीशंस है वो मतलब ठीक तरीके से बना रहे, मनी ज्यादा या कम हो तो वो मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे ये वही चीज कहा गया कि किस तरह से सेलिंग और परचेजिंग का काम होता है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डे टू डे बेसिस पे होता है, तो रोज की ये काम किया जाता है ताकि बेसिकली ये जो बैंक है वो एक सही तरीके से काम कर सके। ऐसा नहीं कि पूरा दिन में एक बार पैसा भर देना है फिर वापस अगले दिन निकाल लेना है, तो उस तरह से तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होने लगेगा हर किसी को। अब डू यू नो में ये कहा गया है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आरबीआई सिक्योरिटी मार्केट से बेचती है तो बैंक उसको खरीदती है, और जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है तो यहाँ पे ये हो जाता है कि उनके पास ये कम एबिलिटी रहता है कि वो लोग इंडस्ट्रियल हाउसेज या फिर कमर्शियल सेक्टर को पैसा दे सके। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सरप्लस कैश जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो रिबी का लिक्विडिटी है वो क्या होता है कि बेसिकली एक क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट सप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये वही सब चीज को बता घुमा घुमा के बताया गया किस तरह से जो काम है वो होता है। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि जीएसटी कैन बूस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो जीएसटी के बारे में कहा गया कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कलेक्शन को बूस्ट कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि जो टैक्स एनालिस्ट है
उन लोग का ये कहना है कि वह जीएसटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फिस्कल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू पे डिपेंड की जा होती जा रही है, ठीक है। वो लोग अपना रेवेन्यू जो भी पीएसयू का डिविडेंड होता है उस पर भी कोशिश करेगी, जो पीएसयू को हम लोग डिवाइड करके पैसा देते हैं। देखिए पीएसयू डिविडेंड क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पूरा बजट होता है उसमें से वो पैसा क्या करती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी वहां पे देती है। तो उससे भी थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, वहां पे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो जो गवर्नमेंट है वो ये चीज सबके ऊपर अभी जो है वो टिकी हुई है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेसिकली टैक्स एनालिस्ट का ये कहता है कि अभी जो है गवर्नमेंट ये किसी भी तरह से रिस्क नहीं ले सकती कि वो लोग टैक्स रेट को बढ़ाएं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाएगी कि भाई टैक्स रेट बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इकलौता उपाय क्या बच जाता है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और इवेशन को कम किया जाए। और यहाँ पे बात करेंगे क्या है बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाना और इवेशन को कम करना, उसके बारे में जानेंगे। देखिए डू यू नो में ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। लास्ट पांच साल में तो बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हमारी कंट्री। अपना जो रिसोर्सेज है कंट्री के पास, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो सब चीज को छोड़कर टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे बेस्ड हो गई। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो शेयर है नॉन टैक्स सोर्सेज, जो कि नॉन टैक्सिंग सोर्सेज जैसे कि पीएसयू का डिविडेंड हो गया, आरबीआई हो गया, फिर और जो भी कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या मेजर्स लेना है। तो सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि जीएसटी जो है उसका टैक्स बेस बढ़ाना है। देखिए कैसे टैक्स बेस यहाँ पे होता है क्या बेसिकली। अब आप लोग देखिएगा कि लोग जो है वो टैक्स भरते हैं, कौन लोग टैक्स भरते हैं, बिजनेसमैन या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं जो भी टैक्स भरते हैं। जहाँ पे देखिए टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक टैक्स का जो सीमा है उसके अंदर लेके आना। टैक्स बढ़ाना और टैक्स को चौड़ा करना मतलब आदमी लोग को उसके अंदर लेके आना, दोनों में अलग चीज है। टैक्स बढ़ाएंगे तो सरकार बहुत दिक्कत में आएगी, तो टैक्स बढ़ने नहीं वाला है। टैक्स में और ज्यादा लोग जो है वो इंक्लूड होंगे, ये चीज कहा जा रहा है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे अभी बेसिकली जो डेटा है उसका काम किया जाएगा, डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और जितना भी बेसिकली टैक्स पेमेंट हो गया या फिर वो लोग कितना इनकम करते हैं, इनकम का डेटा हो गया, सब कुछ कलेक्ट करके देखा जाएगा कि कौन लोग यहाँ पे इनकरेक्ट टैक्स फाइल कर रहे हैं और वो लोग के ऊपर केस किया जाएगा बेसिकली जो भी होने वाला है, और बेसिकली इविजन जो है उसको कम किया जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है यहाँ पे होने वाला है, ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे वेस्ट बंगाल के जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग फूड स्कैर्सिटी से बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी लड़ रहे हैं। देखिए सर्वे रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि 31% ट्राइबल हाउसहोल्ड ऐसे हैं वेस्ट बंगाल में जो कि स्कैर्सिटी अलग अलग तरीके से झेल रहे हैं और अलग अलग अवस्था में मतलब झेल रहे हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है वो 5 मिलियन ट्राइबल से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि इंडिया का जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है 100 मिलियन का, उसका 6% के आसपास होता है। तो इतने जो ट्राइबल लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल रहते हैं तो ये लोग बेसिकली बहुत फार हैं, बहुत पीछे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से। यहाँ पे की फाइंडिंग कहा गया है कि अगर आदिवासी के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए पूरा ये एक तरह से फोटो दिया हुआ, मेरे ख्याल से द हिंदू का ही होगा और कहीं का होता नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए आदिवासी जो है जिनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ये 66.6% है। ऐसे जो कि बेसिकली ट्रीटमेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर से लेते हैं ये 61% है। यहाँ पे ऐसे चिल्ड्रन जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा चल के जाते हैं प्राइमरी स्कूल को अटेंड करने के लिए, ऐसे 8% है। पॉपुलेशन जिनको कि पता है उनका क्या राइट है अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006, ऐसे लोग मात्र 14% है। सिर्फ जो ऐसे लोग जो कि सिर्फ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है उनमें से बस 14% लोगों को पता है कि उनका क्या राइट है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि बेसिकली जो ऐसे जो कि 2 बार खाना नहीं कलेक्ट कर पा रहे अपने घर के लिए, ऐसे या फिर 2 बार या फिर उससे भी कम खाते हैं, ऐसे 12% है। और इसके अलावा ये बोला जा रहा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन भी लेते हैं प्लस प्राइवेट ट्यूशन भी लेते हैं, ऐसे 50% बच्चे हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशन एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों लेते हैं। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि जो खुद भी काम करते हैं और अपने बच्चों से भी काम करवाते हैं, ऐसे जो पॉपुलेशन है ये 53% यहाँ पे है। तो ये टोटल यहाँ पे टोटल डिटेल्स। इसके अलावा मेजर फैक्टर के बारे में बात किया गया है, तो देखिए पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी कैसा सिनेरियो है जब वो इंसान को गलत तरीका गलत जगह लेके चल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया अल्कोहलिज्म के तहत कि यहाँ पे क्या होता है लोगों को अल्कोहल जो होता है वो कंज्यूम कर लग जाते हैं लोग। और यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इतना फ्रगाइल है, इतना खराब है कि यहाँ पे बेसिकली कभी भी जो आदिवासी अगर बीमार होते तो उनका बचने का चांसेस जो है
वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जा रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ है ये यहाँ पे होता है कि लोग जो है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है काम करने के लिए। वो आदिवासी लोग जो सिर्फ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत मौत होती है। इसके अलावा वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो ये जो है ये आदिवासी में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग एज में चिल्ड्रन होते हैं, वो जा करके काम करने लग जाते हैं और घर का हर एक इंसान काम करता है। यहाँ पे आप देखिएगा, नॉर्मल अगर आप अर्बन सेंटर्स में देखिएगा तो घर में दो तीन जन काम कर रहे होते हैं, बाकी सब घर में पड़े हुए रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे घर में हर एक लोग जो है वो काम करता है। तो दैट इज द सिनेरियो कि WPR ज्यादा है आदिवासी के बीच में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। यहाँ पे देखिए डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका जो रूल्स है उसको यहाँ पे हल्का कर दिया गया, आसान कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से अप्रूवल जो होता है उसको आसान कर दिया गया। किस तरह से? जो इंडस्ट्रीज है उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर लेके आ गया है। किसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP इसको शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री को लेके आया जा चुका है। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा आसान हो गया कोई भी इक्विपमेंट बनाना या फिर उसको सप्लाई करना। तो दैट इज मच मोर इजियर देन प्रीवियस सिनेरियो। अब यहाँ पे बात किया गया है कि पहले DIPP जो है वो कोई भी आइटम को, डिफेंस आइटम को दो कैटेगरी में बांटता था। पहले तो इंडस्ट्रीज ब्रैकेट में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 और सेकंड है आर्म्स एक्ट 1959। तो ये दोनों एक्ट के तहत पहले बटाता था। अब कैसे बटाएगा? अब बटाएगा डिफेंस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप ऑफ ऑल काइंड, और थर्ड है एलिड आइटम्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये तीन यहाँ पर डिविजन किया गया है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये कैसे हेल्प कर सकता है हम लोग को, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है या OEMs हैं, जो कि बेसिकली वो कंट्री के हैं जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग वो लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट्स करते हैं, हम लोग उनका कॉपी जो है वो बनाते हैं। तो बेसिकली वो जो है वो यहाँ पे आकर के प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में मिलकर के काम कर सकेंगे। तो ये एक चीज है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे US जो है वो सीरिया से विड्रॉ कर लेगा। तो US के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने ये कहा कि US तभी विड्रॉ करेगा सीरिया से जब जितना भी कुर्द लोग हैं वहां पे उनका सिक्योरिटी इंश्योर हो जा रहा है। देखिए आप लोग अगर सीरिया का सिविल वॉर के बारे में नहीं पता था, आप लोग उसको पता कर लीजिए। मैं एक दो वीडियो यूट्यूब का ही चैनल का किसी का डाल दूंगा जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा सीरिया का सिविल वॉर में क्या है बेसिकली, और वहां पे कुर्द लोग किस तरह से खराब सिचुएशन में, और टर्की का मतलब बेसिकली यही कहना है कि अगर हम लोग US ये बोल रहे कि अगर हम लोग हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा एक सीरिया का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो कि कुर्द लोग से भरा हुआ है, तो वहां पे ये हो जाएगा कि जो आसपास का जो कंट्री है, टर्की हो गया, फिर सीरिया का जो प्रॉक्सी कंट्री हो गया, तो वो लोग आकर के इन लोग पे अटैक कर सकती है। कुर्द का जो सिक्योरिटी है वो काफी खराब सिचुएशन में चल जाएगा। तो वो सब चीज जो है इसके ऊपर US का कहना है, US बोला कि जब तक इन लोग का सिक्योरिटी कंसर्न्ड है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब इसके बाद बोलेंगे कि आधार जो है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है दोनों को लिंक करवाना है। तो अब देखिए एक और लिंकिंग हो गया। पहले हम लोग फोन लिंक करा रहे थे, बैंक लिंक कराना था, बहुत कुछ लिंक कराना था, यहाँ पे अब ड्राइविंग लाइसेंस भी लिंक हो रहा है। देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो आधार कार्ड है ना ये बहुत कुछ से कर्व कर रहा है। आज के समय में बहुत जो जाली चीज है ना वो आधार कार्ड की वजह से हट गया। आदमी लोग पहले बहुत सारा बैंक अकाउंट बनवा लेता था। मेरा घर में एक दो लोग का बहुत सारा बैंक अकाउंट था, ये बैंक में, वो बैंक में, ये बैंक में, वो बैंक में, एक एक बैंक में दो दो अकाउंट है, एक सेम नाम से दो अकाउंट है। तो अब क्या हो गया, अब जब आधार कार्ड आ गया, आपका हर एक बैंक का अकाउंट जब लिंक हो गया तो आपको पता चल जाए जैसे यहाँ पे एक यहाँ के ब्रांच में एक अकाउंट है, सेकंड ब्रांच में एक और अकाउंट है, तो अब वो दोनों लिंक हो जा रहा है। अब दो अकाउंट नहीं, अब सिंगल अकाउंट को, एक अकाउंट को आपको बंद कराना पड़ेगा। दैट इज द सिनेरियो। और यहाँ पे आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पे मतलब ये बनता है कि देखिए यहाँ पे होता ये था, अगर एक इंसान एक्सीडेंट करता है तो वो क्या करता था, एक्सीडेंट करता था और वहां से भाग जाता था, एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता था किसी और के नाम से, रैंडम एक्स पर्सन के नाम से, और फिर उस इंसान को फंसा दिया जाता था कि भाई मेरा गाड़ी तो ये था लेकिन ये इंसान ड्राइव कर रहा था, ये इसका ड्राइविंग लाइसेंस, आप इसको पकड़िए। अब वो इंसान को इंसान कहां पकड़ेगा? तो ये पूरा सिनेरियो था। अब आधार कार्ड को लिंक करने का ये मतलब हो जाता है कि आप फेक ड्राइविंग लाइसेंस तो बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें फेक फिंगरप्रिंट कहां से डालिएगा, फेक आयरिस स्कैनर कहां से डालिएगा, फेक बायोमेट्रिक्स कहां से डालिएगा आप लोग? तो वो जो है ये अब सिनेरियो हो जाएगा कि आधार कार्ड अब मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज़ आप देखिएगा, तहव्वुर राना, तो तहव्वुर राना जो है इनको पकड़ा गया है 26 मतलब बेसिकली पकड़ाया तो बहुत पहले ही थे ये, तो इनको 2009 में पकड़ा गया था। ये एक की मेंबर थे जो कि 26/11 का जो मुंबई अटैक था उसमें शामिल थे, और ये लोग ये जो है अभी 14 साल का जो इनका प्रिजन का टर्म था US में वो काट चुके हैं। इनका ये गुनाह था कि ये लोग ये लश्करे तैयबा जो कि LET है, जो कि ये अटैक को एग्जीक्यूट की थी, उनको यहाँ पे बेसिकली मटेरियल सपोर्ट दिए थे और प्रोवाइड किए थे, हेल्प किए थे, तो वो केस में इनको अरेस्ट किया गया था। राणा जो है वो शिकागो बेस्ड बिजनेसमैन है, और इन्होंने डेविड कॉलमैन हार्डली
का हेल्प किया था इरिगेशन सॉरी इमिग्रेशन फर्म जो कि मुंबई में बनवाने का, मुंबई में एक इमिग्रेशन फर्म बनवाया था इन्होंने। अगर आप लोग को 26/11 का पूरा केस पता होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि इमिग्रेशन फर्म का हेल्प से यहाँ पे जो पूरा कांड हुआ था तो उसमें तहव्वुर राणा को पकड़ा गया था। तो वो खुलवाने में इनका जो डेविड कोलमैन हेडली के नाम से जो इमिग्रेशन फर्म खुला था उनको खुलवाने का हेल्प यही किए थे तहव्वुर राणा। और ये बेसिकली खुलवाया इसलिए गया था ताकि जितना भी सर्वेइंग का काम है कि कहाँ पे अटैक करना कैसे अटैक होगा तो वो सब चीज को कवर किया जा सके। तो ये टोटल यहाँ पे डिटेल्स है। इसके अलावा एनआईए जो है उन्होंने एक और फ्रॉजरी का केस राणा के अगेंस्ट यहाँ पे लिखा है कि आपने जो इमिग्रेशन सेंटर बनवाया वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनवाया, तो वो भी एक और केस एक्स्ट्रा इनके साथ एडेड है। इसके अलावा ये इसको छोड़ते हुए एक और बात है यहाँ पे कि इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ऑफ 1997, तो ये एक ट्रीटी था यूएस और इंडिया के बीच में जहाँ की ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि यूएस बेस्ड इंडिविजुअल है वो भारत में अगर कुछ उल्टा से उल्टा काम करता है तो उसके तहत वहां पे उसको केस मतलब वहां पे उसको कस्टडी में पकड़ा जा सकता है। दैट इज द प्रो सिनेरियो। और यहाँ पे 26/11 जो का केस था वो भी इन्होंने ही देखा, तो मतलब इसी के तहत आया, तो ये एक चीज है। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे इनोवेटिव टू कल्टीवेट प्रोग्राम, तो ये एक नया प्रोग्राम आया। इसमें होना ये है कि जितना भी एनपीओ ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साथ में मिलकर के काम करेगी, साथ में मिलकर किसी के साथ काम करेगी, स्टार्टअप के साथ काम करेगी, और यहाँ पे जो टोटल जो एक स्टार्टअप जिस चीज के ऊपर काम करता है उसको फार्म्स तक पहुंचाएगी। फार्म और स्टार्टअप को लिंक करने का ये काम होगा। इसमें क्या होगी, टेक्नोलॉजी वो सीधे फार्म तक पहुंचेगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी सॉल्यूशंस है जैसे कि ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर उसके भी कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि पेस्ट मैनेजमेंट का अल्टरनेटिव हो गया, सॉइल मैनेजमेंट का जो अल्टरनेटिव्स है, तो वो सब चीज़ जो है वो सब काम जो है ये इनोवेटिव टू कल्चर के अंदर तहत होगा। अब इसमें कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा इंटीग्रेशन किया जा सके स्टार्टअप और फार्म का दोनों का मिला करके। इसके बाद लास्ट आज का बहुत वीडियो लंबा हो गया, 16 मिनट का मेरे ख्याल से यही हो गया, अभी 17 मिनट तो हो ही जाएगा ये आगे बढ़ते बढ़ते, तो आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। यहाँ पे आईएसएस जो है वो बीन्स उगा सकती है 2021 में। तो आईएसएस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए मैं आपको इसी के बारे में लास्ट वीडियो में बता रहा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो क्या करेगी, 2021 में बीन्स उगा सकती है। तो अभी आप देखिएगा कि 3 साल हो चुका है, 3 साल पहले क्या हुआ था कि लिट्यूस जो होता है वो उगाया गया यहाँ पे अब्रॉड में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अब्रॉड क्या पूरा इंडिया से अब्रॉड में उगाया गया, तो अबॉर्ड में, आई एम सो सॉरी मैंने गलती पढ़ लिया, अबॉर्ड में उगाया गया। अबॉर्ड मतलब एक कोई भी व्हीकल जो होता है उसका, अगर आप लोग जैसे डेक अबॉर्ड होता है, अगर आप शिप के बारे में बात करें तो उसका डेक अबॉर्ड होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो स्पेसशिप है उसका भी जो अबॉर्ड है, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 3 साल पहले रिड्यूस उगाया था, 2021 में यहाँ पे बीन्स उगाया जा सकता है। और ये भविष्य में बहुत हेल्प करने वाला है कि भविष्य में किस तरह से लोग जो है वो काम करेंगे, मतलब किस तरह से लोग रह सकेंगे वहाँ पे, उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईएसएस का थोड़ा इंटरनल व्यू किस तरह से दिखता है। आईएसएस काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये है, ये पूरा आईएसएस है। अब देखिए ये यूएस पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे देखिए ये यूएस का लेबोरेटरी मॉड्यूल है, इसका नाम है डेस्टिनी। इसके अलावा पूरा यहाँ पे आप घूम सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि फूड स्टोरेज लॉकर नोड 3 ट्रैंक्विलिटी। अब मुझे पता तो नहीं कि ये क्या है पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फूड वार्मर गैलरी टेबल और ये कहीं और है, प्रेशराइज मेडलिंग अडेप्टर। अब आगे थोड़ा बढ़ के देखते हैं यहाँ पे क्या है और अंदर जाने का ऑप्शन है, तो अंदर घुस के देखेंगे किस तरह से दिखता है अंदर में ये। तो ये शायद अंदर इसके बाद हम लोग और नहीं जा सकते हैं, अंदर जाने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अच्छा जा सकते हैं, खूबसूरत अंदर में देखिए क्या क्या चीज़ है। और पूरा इस मुझे तो लगता है कि इसके अंदर घूमते घूमते 2-3 दिन तो मैं घूम ही सकता हूँ, इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं होगी, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। वेला साइकिल अर्गोमीटर, इसके अलावा यहाँ पे बॉडी मास मेजरमेंट डिवाइस काफ़ी कुछ है, टेम्परेचर कंट्रोल मॉड्यूल पैनल। अब यहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ है लेनोवो का, सपोज लेनोवो, ये क्या चीज़ है। तो ये है कुछ इंटरनल व्यू, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग अंदर जा करके पूरा देख सकते हैं कहाँ पे क्या है, पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है घूमने का, अंदर आप लोग पूरा सर्वे ले सकते हैं कि अंदर में अंदर क्या है। इसके अलावा पूरा जो ये मतलब गूगल का ये जो फैसिलिटी है इसमें काफ़ी कुछ आप लोग ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया या फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, वेनस हो गया, अर्थ, मून, मार्स, सेरेस, अब हर कुछ यहाँ पे अंदर घुस करके देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ का डिजाइनिंग है, कैसे पूरा किया हुआ है। यहाँ पे ये जो ऊपर आप लोग फोटो देख रहे हैं ये रियल टाइम में, मतलब अभी जैसा सिनेरियो है वैसे ही आपको फोटो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग के लिए मैं लेके आने की कोशिश करते रहूंगा। और ये हमारा प्यारा भारत रात हो चुका है, ये एक्चुअल रियल टाइम में ये रात हो रहा है, और अभी मैं
शाम के समय अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मेरा जो टाइम है ये 6:55 हो रहा है, 7 बजने वाला है और ठंडा का मौसम है, तो ये शाम पूरा अंधेरा हो चुका है, ये रियल टाइम में ये जो फोटो है वो हो रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए 19 मिनट का वीडियो हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।